स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज बात करेंगे जीएनएम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके चौथे मॉडल पेपर के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि तीन मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, जिसमें फर्स्ट पेपर जो था द्रव्य गुण विज्ञान और भैसज कल्पना का पेपर था, और दूसरा जो सब्जेक्ट था वो आपका विशिष्ट परिचर्या, और थर्ड सब्जेक्ट था आपका व्याधि विज्ञान और उपचार। तो तीनों पेपर के मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं। आप चाहें तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके आप जीएनएम फाइनल ईयर का मॉडल पेपर सर्च करके आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको जीएनएम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लास्ट पेपर, जो चौथा पेपर है, उनके मॉडल पेपर के बारे में मैं बताऊंगा। तो जो फोर्थ पे सब्जेक्ट है वो आपका है मानस रोग परिचर्या, और व्यावसायिक वृत्त जो सब्जेक्ट है उसमें पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस पर डिस्कशन होगा, और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के आंसर किस तरह से आपको एग्जाम में लिखने हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने वीडियो में नहीं देखा और प्रॉपर सारी चीज़ें आपको आपने ध्यान नहीं दी तो कुछ भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप कंफ्यूज रहोगे और एग्जाम में दिक्कत होगी या टॉपिक को समझने में दिक्कत होगी, आपको क्वेश्चन के आंसर आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो में लास्ट तक रहिए और सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, मैं यही चाहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये जो मॉडल पेपर है आपका मानस रोग परिचर्या एवं व्यावसायिक वृत्त का है, लास्ट पेपर है आपका। इसमें भी 7 प्रश्न मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको 7 प्रश्न वाले ही क्वेश्चन पेपर, 7 प्रश्न होते हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से 5 के आंसर आपको लिखने होते हैं। हर पेपर की तरह आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पेपर आपका 100 नंबर का ही होता है, थियोरी का पेपर जो है, प्रैक्टिकल भी 100 नंबर के होते हैं, तो 100 नंबर का ये भी पेपर है, इसमें भी 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका मन का लक्षण स्वरूप एवं कार्य का उल्लेख करते हुए मानसिक दोष लिखे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा मन क्या है। तो मन मस्तिष्क की वह मन को अगर परिभाषित करेंगे तो कह सकते हैं मस्तिष्क की वह क्षमता जो हमें बताती है चीजों को समझने के लिए, कौन सी चीज का स्वरूप क्या है, हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों को समझाने की जो जो गुण होता है, इन चीजों को समझाने का जो गुण होता है उसे ही हम मन कहते हैं। तो हमारा मन जो है हमारे आसपास की चीजों को समझने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तो मन का लक्षण पूछ रहा है, फिर स्वरूप पूछ रहा है और कार्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले मन का लक्षण अगर आपको बताना है तो आप सिंपली बता सकते हो कि मन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या मन के लक्षण होते हैं। तो मन में एक मन के लक्षण अगर देखेंगे तो चेतन होता है, अर्ध चेतन होता है। तो चेतन का मतलब कि हमारा मन अगर जागृत है, हर चीजों को समझने और जानने की क्षमता रखता है तो उसको जागृत या चेतन मन कह सकते हैं। अर्ध चेतन का मन मतलब ये है कि चीजें हमें अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रही, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो ये सारी चीजें अर्ध चेतन में होगा। तो मन के लक्षण में ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। फिर मन कार्य कैसे करता है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। इनका उल्लेख करते हुए आपको मानसिक दोष बताना है। तो मानसिक दोष का मतलब कि मस्तिष्क का जो दोष है या मन का जो दोष है उसको मानसिक दोष कहते हैं। कौन कौन से मानसिक दोष होते हैं आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये सारी चीजें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका चेतना क्या है, चेतन तथा अर्धचेतन मन का वर्णन करें। अभी इसमें मैं बता रहा था आपको उसी तरह का क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। चेतना क्या है, चेतना का मतलब अगर हमारा मन जागृत अवस्था में है, सारी चीजें हम आसपास के माहौल से परिचित हैं, सब चीजें हमें समझ में आ रही है तो उसको हम चेतना बोलेंगे, कि मतलब हम चेतन अवस्था में हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक ही जगह बैठे बैठे कहीं उनका जो मन है कहीं और विचलित हो जाता है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। कई बार आप बुलाएं तो आप 10 बार बुलाएंगे तो एक बार वो सुनते हैं, तो उसी को हम अर्ध चेतन कहते हैं, कि मतलब वो चेतना में नहीं है, यहाँ पे होते हुए भी उनका मन कहीं और भ्रमण कर रहा है, विचरण कर रहा है, तो उसको हम अर्ध चेतन कहेंगे। चेतना का मतलब हम एक्टिव हैं, हमारा माइंड जो है एक्टिव है और हर तरह से हमें आसपास की चीजों के बारे में आभास है, तो उसे हम चेतना कहेंगे। आप इसमें इस चीजों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वार्ड प्रशासन के ऊपर पूछ रहा है। तो वार्ड प्रशासन डायरेक्टली आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड टॉपिक है। तो मतलब जो आतुरालय है, जो अस्पताल होता है, उसका वार्ड जो प्रशासन होता है वो क्या है, वार्ड प्रशासन क्या है, मतलब प्रशासन अगर आ गया तो डायरेक्टली
जो पूरे वार्ड के ऊपर अपना कार्य प्रणाली स्थापित करता है, जो कार्य की निगरानी करता है, उसको चलाने का कार्य करता है, उसकी व्यवस्थाओं को देखता है, उसे ही वार्ड प्रशासन कहते हैं। तो वार्ड प्रशासन क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। अस्पताल में कार्य करने की आदर्श पद्धति का रूपरेखा देना है। तो किसी भी अस्पताल की कार्य पद्धति आदर्श रूप से चले, उसके लिए आपको एक रूपरेखा बतानी है। तो आप सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि अगर किसी भी अस्पताल का कार्य प्रणाली सही तरीके से चलाना है तो क्या क्या चीजें उसमें अनिवार्य रूप से आपको इन्वॉल्व करनी है, सम्मिलित करनी है। तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानसिक रोगों की चिकित्सा हेतु आयुर्वेद में वर्णित उपायों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो मानसिक रोगों की चिकित्सा अगर आयुर्वेद में अगर आपको बतानी है तो आप सबसे ज्यादा बता सकते हो कि जो भी मानसिक रोगी है उसको हमें निश्चित रूप से प्राकृतिक चीजों के इर्द गिर्द गिर्द जो है व्यायाम या टहलना या सैर सपाटा करने के लिए बताना है, उसको शांति वाले माहौल से परिचित कराना है, और खाने पीने की चीजों में बदलाव करनी है, उसको किसी भी चीज में व्यस्त रखना है, जिससे कह सकते हैं कि अगर व्यायाम कहे तो उसी तरह से प्राकृतिक चीजों में भ्रमण के लिए भी ले जा सकते हैं, कहीं टूर पे ले जा सकते हैं, घूमने के लिए लेकर के जा सकते हैं। तो उसमें अगर वो व्यस्त रहेंगे तो मानसिक जो अवस्था है उनकी सुधरेगी। और कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसमें अश्वगंधा आता है, ब्राह्मी वगैरह आते हैं, जो कि मानसिक रोगों के इलाज में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, मद मूर्छा एवं संन्यास का संक्षेप में वर्णन करना है। तो मद का मतलब, अगर मन जो है विस्मय में है, मतलब अगर किसी कारणवश, मद का मतलब हम नशा भी कह सकते हैं, किसी बाहरी चीजों का प्रयोग करके हम अपने मन को विचलित कर देते हैं, या किसी शांत अवस्था में, किसी अवस्था में पहुंचा देते हैं जहां पे बुद्धि का लोप हो जाता है, उसे भी हम मद कहते हैं। अगर मूर्छा समझना है तो मूर्छा का मतलब कि अगर मन हमारा मूर्छा अगर समझना है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं जिनका मन बहुत कमजोर होता है, शारीरिक रूप से जो कमजोर होते हैं वो कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, तो उसी को ही हम मूर्छा कहते हैं। संन्यास अगर बोलेंगे तो संन्यास का मतलब मन की वह अवस्था जो कि पूरी तरह से शांत हो जाती है, इसमें मनुष्य को हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में मनुष्य मर जाता है, उसी को ही हम संन्यास कहते हैं। मतलब कि मन पूरी तरह से शांत हो गया, किसी भी चीज का आभास नहीं है, तो उसे हम संन्यास अवस्था, मन की संन्यास अवस्था कहते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका टिप्पणी वाला है, जिसमें अर्ध चेतन मन और राजस प्रकृति को बताना है। तो अर्ध चेतन मन मैं पहले ही बता चुका हूं, अर्ध चेतन मन किसे कहते हैं। उसी तरह से राजस प्रकृति अगर बताना है तो राजस प्रकृति का मतलब ऐसी प्रकृति जो कि मन को बलिष्ठ बनाए, मन को बहुत ही सुदृढ़ बना देता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मन में ठान लेते हैं और उस काम को कर देते हैं, उनकी प्रकृति को राजस प्रकृति बोला जाता है। मतलब कि जो मन से पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा संगठित होते हैं और मन में जो ठान लेते हैं उस चीज को कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के मन को या ऐसे व्यक्ति की प्रकृति को राजस प्रकृति बोला जाता है। आप इस तरह से इसमें लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस वो भी टिप्पणी वाला, इसमें दो टिप्पणी है, मन के गुण आपको बताने हैं और चिंता के बारे में डिस्कशन करना है। चिंता के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। तो मन के गुण क्या है, तो मन के गुण मैं आपको बता चुका हूं कि मन जो है किसी भी चीज का हमें पूर्व अनुमान बता देता है, हम चीजों को दूर से ही सोच करके समझ लेते हैं। हमारा मन बताता है कि हम किस अवस्था में हैं या किस चीज के बारे में, अगर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसका पूर्व आभास भी हमारा मन हमें करा देता है। तो मन के गुण में ये सारी चीजें लिख सकते हैं। चिंता, तो चिंता आपको पता है मन में विस्मय है, किसी चीज का भय है, और किसी चीज के अनिष्ट होने के वजह से हमें डर लगा हुआ है, तो उसे ही हम चिंता कहते हैं। या भविष्य की बातों को लेकर के सोच करके हम अपने शरीर या अपने परिवार की जो अवस्था है उसके बारे में अगर सोच रहे हैं, या दशा है परिवार की उसके बारे में अगर मन में भ्रांति पाले हुए हैं या कुछ बातें जो है रखते हैं, तो उसे ही हम चिंता कहते हैं। तो जितने भी प्रश्न थे उसके आंसर किस तरह से आपको लिखने हैं वो मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ कि सारी जो चीजें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज रह गई है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूं। तो जो भी मॉडल पेपर थे आपके जीएनएम लास्ट ईयर के, जो मॉडल पेपर थे, क्वेश्चन और आंसर
सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो आप बारी बारी से देखिए। आपको सब्जेक्ट के मेन जो टॉपिक है, ज़्यादातर टॉपिक आपको मॉडल पेपर देख करके समझ में आ जाएगा, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफिकल्ट थी वो बहुत ही आसान होने वाली है। तो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो आपके साथ क्लास कर रहे हैं उनके हेल्प के लिए आप मेरी वीडियो उनके तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी हेल्प हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।